आज हमारे साथ है डॉक्टर वी के चोपड़ा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर, हाइपरटेंशन को कोविड के दौरान कैसे मैनेज किया जा सकता है? जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर या डायबिटीज होता है, उनमें कोविड के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसकी मेडिसिन डिसकंटिन्यू या बंद मत करिए, अपनी रेगुलर मेडिसिन लेते रहे। ब्लड प्रेशर की सारी मेडिसिन कोविड में सेफ होती है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में कई बार ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके देखना चाहिए कि दवाई की डोज एडजस्ट करने की जरूरत तो नहीं है। डॉक्टर, हार्ट बाईपास सर्जरी क्या होती है? जैसे अगर किसी शहर में ट्रैफिक जैम हो जाता है तो एक और दूसरी सड़क बना दी जाती है जो वो कंजेशन को बाईपास करके ट्रैफिक को मेन रोड पर ले जाती है। इसी तरह हार्ट की कुछ नसों में अगर ब्लॉकेज हो जाते हैं तो शरीर की कुछ धमनियों को लेके उस ब्लॉकेज से पहले और बाद में जोड़ दिया जाता है, ताकि खून जो है वो हार्ट के मसल्स तक दूसरे रास्ते से पहुंच जाए। इसके लिए छाती के अंदर की आर्टरी, एक बाजू की आर्टरी या टांग की वेन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर, एक दिल के मरीज को कब और कितनी बार चेकअप के लिए जाना चाहिए? अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो 40 की उम्र के बाद से उनको अपना चेकअप स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर फैमिली में हार्ट डिजीज है या किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर है, तब 30-32 साल की उम्र के बाद से हार्ट का चेकअप होना चाहिए। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है तो अपने डॉक्टर से सलाह करके पूछना चाहिए कि आपको कितने कितने दिनों या महीनों के बाद चेकअप की जरूरत है। Manage your health with a smile on your face and peace in your heart.